सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 20 दिन पूरे कर रही है। और दोस्तों इन 20 दिनों के बाद इस फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में जो कलेक्शन वो कितने हो चुके हैं, अमेरिकन बॉक्स ऑफिस और ओवरसीज से इस फिल्म ने अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के हिट और फ्लॉप स्टेटस के बारे में कि किस राज्य में दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है और किस राज्य में हुई है फ्लॉप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी कल्कि को देख चुके हैं, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली कल्कि 2898 एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसके लीड में आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ साथ कमल हसन, दिशा पाटनी, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण नजर आई है। दोस्तों लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से बनने वाली इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 7000 से ज्यादा स्क्रीन मिली थी और दुनिया भर में ये फिल्म 10000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज फिल्म साबित हुई, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से अपने पहले ही दिन से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 192 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली कल्कि ने इंडियन सिनेमा के इतिहास की तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग ली और KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ा। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में लगभग 630 करोड़ रुपए कमाए थे और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 765 करोड़ रुपए की कमाई करके अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले आउटस्टैंडिंग रिव्यूज, फिल्म का एक्शन, फिल्म की कहानी और विजुअल्स की वजह से ये फिल्म अपने सेकंड वीक में भी काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। दोस्तों बताते चले आपको कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने जहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 163 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, तो वहीं दोस्तों तेलुगु में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 212 करोड़ रुपए के रहे, तमिल से इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों मलयालम और कन्नड़ा भाषा को मिलाकर ये फिल्म लगभग 18 करोड़ रुपए अपने पहले हफ्ते में कमा चुकी थी। तो अपने दूसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छा होल्ड देखने को मिला और अपने दूसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने तेलुगु भाषा में जहां 42 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों तमिल में इस फिल्म के कलेक्शंस 9 करोड़ 10 लाख रुपए के रहे। लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में तेलुगु भाषा से भी ज्यादा अच्छी कमाई की और इस फिल्म के कलेक्शंस अपने दूसरे हफ्ते 71 करोड़ रुपए के हिंदी में रहे, तो वहीं दोस्तों मलयालम और कन्नड़ भाषा को मिलाकर ये फिल्म 7.5 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इस तरह से दोस्तों दो हफ्तों में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 235 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म प्रभास के कैरियर की सेकंड बिगेस्ट ग्रोसर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बन चुकी थी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने शुरुआती दो हफ्तों के साथ ही 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था और प्रभास के कैरियर की दूसरी बिगेस्ट ग्रोसर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी बन चुकी थी। इस फिल्म ने दोस्तों सलार और बाहुबली 1 के रिकॉर्ड्स को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिया था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के तीसरे हफ्ते की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु से ज्यादा अच्छी कमाई ये फिल्म हिंदी भाषा में करती हुई नजर आ रही है। अपने 16वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में 3.80 करोड़ रुपए कमाए थे। 17वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 8.30 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों अपने 18वें दिन इस फिल्म ने 9.75 करोड़ रुपए कमाए थे और इन 9.75 करोड़ के साथ ही इस फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शंस थे वो 255 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से हिंदी में पार कर चुके थे। 18 दिनों के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों ये फिल्म इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो भी 1070 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुके थे। दोस्तों बताते चले आपको कि सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म को ऑडियंस सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पसंद कर रही है। ये फिल्म दोस्तों अपने 18 दिनों तक तेलुगु भाषा में जहां 265.75 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर चुकी थी, तमिल में इस फिल्म के कलेक्शंस 33.15 करोड़ रुपए के रहे, जो कि एक तरह से दोस्तों कम कलेक्शन है, लेकिन ये फिल्म तमिल बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी है। कन्नड़ भाषा में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस कम रहे क्योंकि दोस्तों कन्नड़ लैंग्वेज में इस फिल्म को कम स्क्रीन दी गई थी, लेकिन दोस्तों तेलुगु और कन्नड़ा भाषा दोनों ही लगभग सेम भाषा है, इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो कन्नड़ा और तेलुगु भाषा में अच्छे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों मलयालम में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
सुपरहिट फिल्म साबित हुई है, जहां से इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए की नेट कमाई की है। इन सभी भाषाओं में दोस्तों सुपरस्टार प्रभास की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बना चुके हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने 18 दिनों तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1070 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी इस फिल्म के जो कल के कलेक्शन थे वो भी काफी अच्छे रहे। और दोस्तों इस फिल्म ने कल अपने 19वें दिन भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से 2,80,00,000 रुपए के आंकड़े को आसानी से टच किया है। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म 258 करोड़ रुपए की कमाई हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 20वें दिन एक बार फिर हिंदी में काफी अच्छा ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म दोस्तों आज हिंदी में एक बार फिर से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म के टोटल कलेक्शन 261 करोड़ रुपए के हिंदी बॉक्स ऑफिस पर हो चुके होंगे। और दोस्तों ये फिल्म ट्रिपल आर के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन 272 करोड़ से सिर्फ अब 11 करोड़ ही कम है। बात की जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, दोस्तों ये फिल्म आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 7 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जबकि दोस्तों कल इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो 20 दिनों का टोटल कलेक्शन है वो 1087 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। और दोस्तों इस हफ्ते के खत्म होते होते ये फिल्म 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कल की 2898 AD को तो ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म दोस्तों अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की सेकंड बिगेस्ट ग्रोसर बन चुकी है, और पठान को ये फिल्म ऑलरेडी वहां पर बीट कर चुकी है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जवान और पठान दोनों से ही पीछे है। अगर दोस्तों ये फिल्म 1100 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लेती है तो वैसे ही दोस्तों ये फिल्म पठान के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ देगी, लेकिन जवान को बीट करने के लिए इस फिल्म को अब भी 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी है। फिलहाल में तो दोस्तों कल की के जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म हिंदी में 300 करोड़ के क्लब में और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कल की का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।